Shalom, आज का मैसेज कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके हम लोग करेंगे आज हम लो एक समझने वाले हैं एक प्रिंसिपल एक सिद्धांत परमेश्वर के वचन का हम लोग आज देखेंगे एक नई रूप से और हम लोग लेवी के किताब से एक वचन पढ़ने वाले हैं तो आपके स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा लेकिन अगर आप खोल सकते हैं हमारे साथ और कोई अगर हिंदी में पढ़ सकते हैं तो समय बचेगा नहीं तो मैं जल्दी से पढ़ लूंगा लेकिन मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं तो मेरी इच्छा है कि अगर हिंदी में हम लोग पढ़ सके तो बहुत ही अच्छा होगा लेवी दस अध्याय चैप्टर टेन और हम लोग फर्स्ट सेकेंड और तीसरा एक दो तीन वचन हम लोग जल्दी से पढ़ लेंगे लेवी दस एक दो और तीन जी जी तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए तब मूसा ने हारून से कहा यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे और हारून चुप रहा ओके okay. यहाँ पे हम लोग बहुत एक मुश्किल का पैसेज हम लोग देख रहे हैं क्योंकि हारून जो है अरुण वो एक पिता है और अभी एक पिता देख रहा है कि उसके दोनों बेटे परमेश्वर के सामने जल के मर गए और मोशे उसको आके ऐसा नहीं कह रहा है कि सुनो अरोन बुरा हो गया मेरा कॉन्डोलेंसेस वो उसको आके इमिनेटली लेक्चर दे रहा है और अगर हम अपने आप को वहां पे रखें उस जगह में हमें कैसा लगता था और एक विचित्र बात आती है हमारे मन में कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दो जवान व्यक्ति और वो दोनों व्यक्ति याजक थे दो जवान जवान व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर के सामने कुछ भेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति से परमेश्वर की वेदी से आग आके उनको ही भस्म कर देता है तो ये हो क्या रहा है यहाँ पे परमेश्वर हमें क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे क्या परमेश्वर बहुत क्रोधित परमेश्वर है क्या परमेश्वर बहुत बुरा परमेश्वर है जो सबको पनिशमेंट देता है कि परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहे हैं इस चीज में से इस गॉड एन अनजस्ट गॉड के कुछ और है एक चीज हम लोग देखते हैं इंग्लिश बाइबल में यहाँ पे लिखा है किंग जेम्स वर्जन में लिखा है दे ऑफर्ड स्ट्रेंज फायर टू गॉड मतलब उन लोग ने कैसा आग परमेश्वर को दिया जो परमेश्वर ने नहीं हुकुम दिया था देने के लिए वैसी आग उन्होंने परमेश्वर के सामने रखा एक चीज परमेश्वर हमें इजराइल को और हमें हम लोग सबको सिखा रहे हैं कि हम लोग आग के साथ नहीं खेल सकते हैं आग से खेलेंगे तो उसका जो परिणाम होता है वो होता है मृत्यु चीज को समझने के लिए हम लोग नवा अध्याय भी देख लेंगे क्योंकि हम लोग ने अभी दसवा अध्याय देखा था नवा अध्याय में अगर हम लोग देखेंगे तो तेईस और चौबीस वचन में यहां पे हम लोग देखते हैं कि जब आरोन और मोशे पर लोगों के सामने उन लोग ने ऑफरिंग दिया और उन लोग ने प्रार्थना किया और लोगों को आशीष दिया यहाँ पे लिखा है कि उन लोग बाहर आए टैबनाकल निवास मंडप से उन लोग बाहर आए और लोगों के ऊपर आशीष घोषित किया उन लोग ने और फिर 24 वचन में लिखा है आ, पहले तेवीस देखेंगे तेईस में लिखा है कि उन लोग बाहर आए लोगों को आशीष दिया एंड यहाँ पे लिखा है द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड अपियर टू ऑल पीपल परमेश्वर की महिमा सबको प्रकट हुआ और फिर चौबीस वचन में लिखा है कि आग आया परमेश्वर की उपस्थिति से और जो भी उन्होंने चढ़ाया वहां पे भेंट उसको उसने जला डाला परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया उनका ऑफरिंग और सारे लोगों ने देखा और चिल्लाया सब लोगों चिल्लाया और, और सब लोग अपने घुटने पे जाके अपने चेहरे को नीचे कर दिया परमेश्वर को आदर देते हुए और इसके बाद इमिडिएटली इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आरोन के दो बेटों के साथ ये इंसिडेंट हुआ अब ये सब को अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ये कब हो रहा है इस ये सब बातें और ये समझने के लिए हम लोग निर्गमन के किताब में देखेंगे निर्गमन के चालीस अध्याय में और सत्रह वचन तो यहाँ पे लिखा है कि मैंने के पहले दिन पे पहले मैंने के पहले दिन पे उन्होंने परमेश्वर के निवास मंडप का उद्घाटन उन लोग ने किया दूरे द टैबल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ इन द सेकंड ईयर मतलब मिस्र देश से निकलने के बाद एक साल के बाद साल के पहले महीने के पहले दिन पे मतलब न्यू ईयर के दिन पे न्यू ईयर के दिन हम लोग को पता है वो फर्स्ट ऑफ जनवरी नहीं था लेकिन वो बिब्लिकल कैलेंडर के अनुसार जो पहला अभीब का महीना या आज के दिन हम लोग कहते हैं पहला निशान का दिन जो हम लोग ने देखा था एक महीने पहले हुआ था और शबाद के में पास्टर सनी चंद्र ने बात भी किया था इसके बारे में तो उस दिन पे निवास मंडप का उद्घाटन हुआ था अभी हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे और आप लेवी की किताब अगर आप खोलेंगे मेरे साथ तो नवा अध्याय और पहला वचन और यहाँ पे लिखा है कि आठवें दिन पे मतलब देखो ये सब एक स्ट्रेच में हो रहा है पहले दिन पहले महीने के पहले दिन पे उद्घाटन हुआ निवास मंडप का फिर यहां पे लिखा आठवें दिन पे उन्होंने बलि चढ़ाया और फिर याजकों को मतलब आरोन और उनके बेटे वगैरह का उनका ऑर्डिनेशन उनका समर्पण हुआ परमेश्वर के सामने आठवें दिन पे ओके और इमीडिएटली उसके बाद क्या होता है नादाब और अबीहू जो आरौन के दो बेटे हैं उन लोग जल के मर जाते हैं परमेश्वर के सामने मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं एक स्ट्रेच में ये सब हो रहा है तो ये नादाब और अबीहू उनका भी समर्पण हुआ था परमेश्वर के सामने क्योंकि वो आरोन के दो बेटे थे उन लोग ने भी देखा था परमेश्वर की महिमा को जब परमेश्वर की महिमा सबको प्रकट हुआ हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब में 24 अध्याय में नौ और दसवा बचन और आपको याद होगा जिन्होंने निवास स्थान टैबन का जो इंट्रोडक्शन का जो सेशन आप लोग ने देखा होगा आपने जिसने सुना है आपने देखा है कि लिखा था कि मोशे और आरोन और इसराइल के सत्तर जो एल्डर्स थे बुजुर्ग लोग थे उन्होंने परमेश्वर की परमेश्वर को देखा यहाँ पे लिखा है कि उन लोग ने इज़राइल के परमेश्वर को देखा निर्गमन 24 अध्याय 9 और दसवा वचन उन लोग ने किसने मोशे और आरोन और इज़राइल के सत्तर बुजुर्ग ने इज़राइल के परमेश्वर को देखा उनमें से नदाव और अविहू का भी नाम है जो आरोन के दो बड़े बेटे थे आरोन के चार बेटे थे उनमें से ये दो थे तो सत्तर बुजुर्ग में से उनको भी गिना गया था और उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा ये दो बेटे थे जिन्होंने देखा कि परमेश्वर ने इज़राइल को कैसे निकाला मिस्र देश में से इज़राइल को कैसे परमेश्वर ने मानना दिया चट्टान में से परमेश्वर ने कैसे उनको पानी दिया ये सब चीजें उन्होंने देखा अब एक साल के बाद इनफैक्ट उन्होंने देखा सिनाई पर्वत पे भी परमेश्वर की महिमा को उनको पता था कि मोशे के के साथ क्या क्या हुआ पर्वत पे और मोशे कैसे वापस आया और और दस अध्याये वो लेके आया परमेश्वर का सब सिस्टम्स वो लेके आया सब चीज उनको पता था उन्होंने भाग भी लिया होगा निवास स्थान को के बनाने के समय में इनोग्रेशन उन्होंने देखा उनका ऑर्डिनेशन अब हुआ और अब इमीडिएटली एक दिन में ही उन लोग मर गए इतने सब एक्सपीरियंसेस के बाद उन लोग मर गए और हमारे मन में एक ये आता है विचार आता है कि ये क्या हो क्या रहा है कैसे हुआ ये अब अगर अगर हम लोग आगे देखेंगे तो परमेश्वर ने मोशे के द्वारा आरोन से क्या कहा परमेश्वर ने कहा कि देखो टू दो मी आई विल शो माय सेल्फ होली जो मेरे नजदीक है मैं उनको अपने आप को प्रकट करूंगा पवित्रता में यह परमेश्वर कह रहे हैं परमेश्वर आरोन को यह कह रहा है कब? जब जब कब? उसके दो बेटे मर गए, जल के मर गए परमेश्वर के द्वारा उनको लेक्चर दे रहा है आगे हम लोग देखते हैं नवा वचन लेवी दस और नवा वचन में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर आरोन से कहता है कि जब तुम मेरे सामने आते हो तब तुम वाइन और कोई भी अल्कोहल पी के तुम नहीं आओगे परमेश्वर सीधा उनको कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आओगे तुम अगर मेरी आराधना करने आओगे तो तुम अल्कोहल पी के नहीं आओगे शराब पी के नहीं आओगे तुम मेरे सामने आओगे एकदम सीधा क्लियरली फिर हम लोग देखते हैं अध्याय और यहां परमेश्वर कहते हैं कि तुम सिस्टर uh, आप पढ़ लीजिए प्लीज क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो रहा है एक्सप्लेन करने दसवा वचन प्लीज पढ़ लीजिए जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में में और और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर ओके okay, तो पवित्र और अपवित्र के बीच में तुम अंतर करो और शुद्ध और अशुद्ध के बीच में भी तुम अंतर करो तो परमेश्वर ने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस उसको दे रहा है इससे हमें क्या पता चल रहा है कि उनके दो बेटों ने ये सब गड़बड़ किया होगा और इसलिए परमेश्वर क्लियरली बता रहे आरोन को कि देखो तुम मेरे सामने आओगे तो तुम ना तो दारू पी के तुम नहीं आओगे शराब पी के तुम नहीं आओगे तुम मेरे सामने आओगे तो तुम शुद्ध पवित्र और अशुद्ध के बीच में तुम एक क्लियर अंतर करोगे तुम मेरे सामने आओगे तो फिर होली और कॉमन चीज के बीच में तुम एक अंतर रखना मतलब परमेश्वर क्या कह रहे हैं सारी चीजों को मिक्सअप नहीं करना है मिक्स नहीं करना है Amen. एक अंतर रखना है चीजों के बीच में तब तुम मेरे सन्मुख तुम आओगे और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि आरोन के बेटों ने ये सब कुछ मिक्स किया होगा हिस्टोरिकल बुक्स के अनुसार उन लोग एक्चुअली आए थे परमेश्वर के सामने शराब पीने के बाद परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरे नजदीक हैं उनको मैं अपने आप को प्रकट करूंगा पवित्रता में तो ऐसा लग रहा है कि उन लोग परमेश्वर के सामने आए थे फिजिकली शारीरिक रूप से लेकिन उनका दिल परमेश्वर से दूर शायद था और इसलिए परमेश्वर एकदम स्पष्ट तरीके से सब कह रहा मूशे को और आरोन को और फिर हम लोग आगे देखते हैं और अगर हम लोग जाएंगे 16वें अध्याय में लेवी सोलह में और यहाँ पे सोलहवा अध्याय में पहला वचन में परमेश्वर कहते हैं स्पोक मोशे आफ्टर द डेथ ऑफ टू मतलब परमेश्वर ने मोशे से कहा आरोन के दो बेटों के मरने के बाद और परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे भाई आरोन को बताओ दूसरे वचन में कि जब भी वो चाहता है वो परम पवित्र स्थान के अंदर नहीं आएगा लेकिन वो आएगा परम पवित्र स्थान के अंदर साल में एक बार जब मैं उसको हुक्म दूंगा तो अब परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि देखो तुम मेरे सामने ऐसे वैसे मत आओ जब तुम्हारा मूड है तब तुम मेरे सामने मत आओ तुम आओगे मेरे सामने जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि सही समय है अब मेरे सामने आने की और फिर सोलह अध्याय अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने वहां पे पूरा यौम किपुर का जो सिस्टम है परमेश्वर ने बनाया दो मेमनों को लेके आओ एक को काटना है एक को छोड़ना है वगैरह वगैरह सब चीज परमेश्वर ने पूरे डिटेल में उनको बताया और जिन लोगों ने आपने अगर यौम की दिवस का टीचिंग आपने अगर सुना है तो आपको पता होगा कि इसका सिस्टम के बारे में लेकिन उसका बैकग्राउंड ये है कि नदाव और अविहू का मृत्यु जो परमेश्वर के सामने हुआ जब परमेश्वर ने उनको जला के मार डाला जब उन लोग ने गलत ऑफरिंग परमेश्वर के सामने डाला ओके? Okay? तो परमेश्वर ने क्लियरली मेरे, तो मेरे समय के अनुसार तुम आओगे ऐसा नहीं कि तुम्हारा मूड जब ठीक है तुमको जब आना है मेरे सामने तुम आओगे नहीं तुम आओगे मेरे सिस्टम के अनुसार मेरे टाइमिंग के अनुसार और भी अगर हम लोग वचन पढ़ेंगे लेवी की किताब में तो हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने याजक के लिए एक वस्त्र बताया उनके सिर के ऊपर कैसा वस्त्र होना चाहिए उसके छाती के ऊपर कैसा ब्रेस्ट प्लेट क्या-क्या होना चाहिए उसके आ, रोब्स कैसे होने चाहिए उनके अंडरगार्मेंट्स कैसे होने चाहिए हर चीज को परमेश्वर ने बहुत डिटेल तरीके से परमेश्वर ने लिख के दिया और ये सब चीजें हम लोग नॉर्मली पढ़ते नहीं है या आप लोग जल्दी से पढ़ के हम लोग आगे चले जाते हैं क्योंकि कभी कभार समझने में मुश्किल होता है लेकिन एक सिंपल चीज हम, हम लोग को समझ में आएगा वो है कि परमेश्वर याजक को बता रहा है कि देखो याजक तुम हो गए एक इंसान ठीक है लेकिन जब तुम मेरी सेवा कर रहे हो तो तुम्हें एक ढंग से अपने आप को प्रकट करना है लोगों के सामने तुम्हें एक तरीके से आप ड्रेस करना है तुम्हें एक तरीके से अपने आप को पेश करना है लोगों के सामने क्योंकि जब तुम मिनिस्टर कर रहे हो जब तुम जब तुम प्रीच कर रहे हो जब तुम प्रार्थना कर रहे हो जब तुम ये सब कर रहे हो तुम एक्चुअली मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हो लोगों के सामने लोग तुम्हें नहीं देख रहे हैं लोग तुम्हारे द्वारा मुझे देख रहे हैं तो परमेश्वर ने बहुत डिटेल्ड सिस्टम बना के दिया इन लोगों को आजकल के दिन में ना हम लोग देखे तो स्पेशली आप अमेरिका वगैरह में देखेंगे तो कई पास्टर्स बर्म्यूडा स्पेन के आते हैं बर्म्यूडा में प्रीचिंग करते हैं आप कोई भी कभी कभार ना कुछ गॉड टीवी के प्रोग्राम्स में भी आप देखोगे ये बर्म्यूडा स्पेन के कुछ भी शॉर्ट्स शॉर्ट्स मतलब हाफ पैंट में लेकिन आप देखेंगे बाइबल के सिस्टम में परमेश्वर ने क्लियरली बताया याजक को कि तुम्हें एक्जैक्टली exactly ऐसे ड्रेस करना है इसलिए हम कभी कबार ना ये के सिस्टम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि उन लोग एकदम अच्छा अपना गाउन सब साफ सुथरा रहता है एकदम आय रहता है एकदम अच्छे तरीके से उन लोग ने मेंटेन किया क्योंकि ये पैटर्न सेम है जो परमेश्वर ने कहा मोशे और आरुण को पैटर्न सेम है हम लोग के सिस्टम में ना आजकल कोई एक जीन्स पहनो कुछ भी पहनो आओ बस आ जाओ पेश करो अपने आप को सामने का चलता है okay, okay. You know, casual, casual है गॉड इज ओके ओके इट्स यू नो कैजुअल कैजुअल वो तरीका हम लोग देखते हैं कई बार हम लोग ने देखा है लोग खड़े हैं तो मतलब ऐसे पॉकेट में हाथ डाल के प्रार्थना कर रहे हैं ओके okay? <laughs> कोई कभी कभार देखते हैं कि कोई प्रार्थना कर रहा है पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं एक हाथ में फोन दूसरे से और दूसरा हाथ लोगों के सर के ऊपर प्रार्थना देखिए ये जब ये जो सब सिस्टम्स है ना परमेश्वर ने एक्चुअली एक बहुत ढंग का चीज अपने वचन में बताया औ, और हम लोग देखते हैं कि जब नादाव और अभियु ने कैजुअली चीजें किया उनके साथ परिणाम क्या हुआ हम लोग सोचते हैं हम लोग नए नियम के लोग हैं चलता है एवरीथिंग ओके बट एवरीथिंग इज नॉट ओके क्योंकि ये परमेश्वर है देखिए लेवी की किताब में मैं और एक चीज आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने सैक्रिफाइस बलिदान का सिस्टम बनाया हु? और यहां पे हम लोग देखते हैं कि पांच अलग-अलग ऑफरिंग्स परमेश्वर ने बताया उन लोगों को पांच कैटेगरीज है ऑफरिंग्स के और पांच में से चार ऑफरिंग्स एक्चुअली वॉलंट्री ऑफरिंग है तो कैसे कहूं मैं वॉलंट्री मतलब आ, जबरदस्ती बिना दबाव का आप खुद से दे सकते हो हाँ अपनी मर्जी से फ्री विल ऑफरिंग अपने मर्जी से आप करो परमेश्वर नहीं कह रहे जबरदस्ती कि तुम्हें ये करना ही है लेकिन परमेश्वर का वचन क्लियरली लिखा है अगर तुम एक ऑफरिंग लेके आ रहे हो तो तुम मेरे सिस्टम के अनुसार तुम लेके आओगे और उस चीज को परमेश्वर ने बड़े डिटेल से दिखाया कि तुम ऐसे लाओगे इस तरीके से तुम लाओगे याजक के सामने तुम पेश करोगे ऐसा वो मारेगा ऐसा वो चढ़ाएगा ये हिस्सा रखेगा ये हिस्सा वो फेंक देगा वगैरह वगैरह सब चीज डिटेल में लेकिन परमेश्वर ने कभी नहीं बोला कि तुमको ये करना ही है परमेश्वर ने कहा अगर तुम ऑफरिंग लेके आ रहे हो तो तुम लाओगे मेरे सिस्टम के अनुसार वेरी डिटेल्ड परमेश्वर ने बड़ी डिटेल में ये किया तो देखिए परमेश्वर हमें नहीं जबरदस्ती कर रहे कि तुम्हें आना ही है तुम्हें ऑफरिंग देना ही है तुम्हें ये करना ही है तुम्हें आराधना करना ही है नहीं लेकिन परमेश्वर कह रहे अगर तुम कर रहे हो तो तुम ठीक तरीके से करोगे ऐसा नहीं कि आराधना कर रहे लेकिन हमारा व्हाट्सएप भी चल रहा है फेसबुक भी चल रहा है कुछ भी चल रहा है टक 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 कुछ तो चल रहा है मुझे एक पास बता रहा था कि उनके एक एक मेंबर उनका वर्शिप लीडर चर्च में बैठ के गेम्स खेलते हैं

जिनके बारे में बोल रहा हूं ये क्या हुआ है ना कि हम लोग ने बहुत कैजुअली सब कुछ बनाया लेकिन परमेश्वर ने जो सिस्टम बनाया वो एकदम क्लियर सिस्टम बनाया परमेश्वर ने कहा कि देखो मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूं कि तुम मेरे सामने आओ मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूं कि तुम मेरे सामने एक ऑफरिंग पेश करो लेकिन जब तुम पेश करोगे तो तुम अपने दिल से करोगे तो तुम ठीक से करोगे तब तुम करोगे परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार तुम करोगे तब तुम करोगे मेरे तरीके से तब तुम करोगे मेरे टाइमिंग के अनुसार और इसलिए परमेश्वर ने परब का का सिस्टम सिस्टम बनाया बनाया फीस बनाया। क्योंकि परमेश्वर के फीस परमेश्वर कहते हैं कि मेरे फीस मेरे परब के दिन मैं मिलूंगा तुमसे जैसे डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दिया कल हम लोग एक्चुअली गए थे सनी चंद्रा का तबियत एक्चुअली ठीक नहीं है प्लीज उनके लिए भी आप प्रार्थना करिए उनको वायरल इन्फेक्शन हुआ लेकिन मतलब देखिए आप समझते हैं कि हम लोग वीक हो जाते कल हम लोग गए थे डॉक्टर ने हमें बुलाया था बुलाने के बाद एक घंटा उसने रुकाया हमें मैं बार बार उसको फोन कर रहा हूँ फाइनली उसने पिकअप किया राहुल जी मैं दो मिनट में आ रहा हूँ उन्होंने बुलाया पांच मिनट हुआ फाइनली लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है परमेश्वर ने जब अपॉइंटमेंट दिया परमेश्वर आते हैं एग्जैक्टली ऑन टाइम ऑलवेज ऑन टाइम कभी लेट नहीं है हम लोग तैयार है समय निकालना चाहिए परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया और जो परब का सिस्टम है क्लियरली उन्होंने दिखाया कि देखो इस दिन इस समय पासओवर होगा इस दिन इस समय आम, अनलिवन ब्रेड बेखमीर बाकरी का का दिन होगा इस दिन इस समय प्रथम फल का दिन होगा और एग्जैक्टली exactly उस दिन के अनुसार यीशु मसीह मरे उस एक्टली exactly उस दिन के अनुसार में यीशु मसीह को गाड़े गए एक्जैक्टली उस दिन के अनुसार में यीशु मसीह जी उठ गए पचास दिन के बाद परमेश्वर ने कहा क्या होगा शवोत मतलब पेंटिकॉस्ट के दिन पचास दिन के बाद एग्जैक्टली exactly उस दिन के अनुसार पवित्र आत्मा आया तो परमेश्वर के सिस्टम्स एग्जैक्ट है परफेक्ट है Amen. और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि देखो तुम्हारा तुम्हें आना है मेरे सामने तो तुम मेरे सिस्टम के अनुसार तुम आओगे तुम कैजुअली नहीं आओगे परमेश्वर ने कहा कि मैं पवित्र खुदा हूं मैं पवित्र परमेश्वर हूं और जो लोग मेरे दिल के करीब हैं मैं उनको अपने आप को प्रकट करूंगा पवित्रता में ऐसा नहीं कि कैजुअली कैसे भी परमेश्वर को हम लोग कैजुअली नहीं ले सकते हैं और ये हमें दिखा रहे परमेश्वर इस इंसिडेंट के द्वारा नदाब और अह्यु के साथ जो हुआ परमेश्वर हमें क्लियरली बता रहे कि परमेश्वर को हम लोग कैजुअल नहीं ले सकते हैं परमेश्वर हमें दिखा रहे कि हमें पवित्र चीज को दुनिया की चीजों के साथ मिक्स नहीं कर सकते जब हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में गेम्स नहीं होता है। ये सब नहीं होता है दुनिया की चीज जब हम लोग मिक्स करते हैं तब हम लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं परमेश्वर दिखा रहे हैं कि उनके सिस्टम को हमें रिस्पेक्ट करना है और अगर हम लोग नहीं करते हैं तो हम एक्चुअली आग के साथ खेल रहे हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर एक भसम करने वाली आग है ही इज बाइबल और अगर हमने सब ये सब मिक्स किया अपने सिस्टम के अनुसार किया परमेश्वर को कैजुअली लिया एक्चुअली हम लोग अपने जिंदगी में मृत्यु हम लोग बुला रहे हैं ये परमेश्वर ने हमें दिखाया नदाव और अवियु के द्वारा हम लोग सोचते कि हम लोग मॉडर्न हो गए हम लोग फैशनेबल हो गए हम लोग का दुनिया आगे चला गया है लोग बोलते हैं ना अरे ब्रदर आप क्या बात कर रहे हो यार जो दो हजार साल पहले साढ़े तीन हजार साल पहले हुआ बाइबल में आज का दिन चेंज हो गया है एवरीथिंग इज मॉडर्न लेकिन देखिए परमेश्वर कहते हैं कल आज और कल मैं वैसे ही हूं मैं बदलता नहीं हूं मेरा नाम है याहवे या तो ना मैं बदलता नहीं हूं आई डोंट चेंज और इब्रानी की किताब में लिखा ये शुभ सी वैसे ही थे कल आज और वैसे ही रहेंगे हमेशा सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉर परमेश्वर एक कंजर्वेटिव गॉड हम लोग फैशनेबल हो गए हम लोग मॉडर्न हो गए परमेश्वर बदला नहीं है और यही चीज अब हम लोग देखेंगे नए नियम में ओके अब देखिए पहला क्रिंतियंस ग्यारह अध्याय जो वचन हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कम्युनियन के समय में पॉलुस अभी क्या कहता है पॉलुस कह रहा है कि देखो जब तुम परमेश्वर के मेज के सामने आओगे तो तुम अपने आप को जांच लो राइट पॉलुस कहता है ये अपने आप को तुम जांच लो कि तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ है या नहीं है और फिर वो कहता है तीस वचन में आप अब अगर पढ़ सकते हैं प्लीज सिस्टर संगीता पहला कुरिन्थियो 11 और 30 वचन अच्छा 11 वर्स 30 किसी कारण तुमने बहुत से निर्बल और रोगी हैं हाँ. और बहुत से सो भी गए ओ, ओके हाँ. तो पहले वो कहता है कि देखो जब तुम आओगे परमेश्वर के सामने 27 वचन में वो कहता है एक योग्य तरीके से तुम आओ परमेश्वर के सामने हम्म परमेश्वर के सामने एक योग्य तरीके से वही लिखा है सिस्टर सत्ताइस में राइट right. फिर अट्ठाईस में वो कहता है कि पहले अपने आप को जांच लो और उसके बाद तुम खाओ ब्रेड खाओ और लहू पियो लहू मतलब वाइन पियो नॉट नॉट रियल ब्लड और फिर उनतीस में लिखा है फॉर अ पर्सन हु ईट्स एंड ड्रिंक्स विदाउट रिक्नाइजिंग द बॉडी ईट्स जजमेंट अपॉन हिमसेल्फ जो uh, आप उनतीस पढ़ लीजिए प्लीज सिस्टर ट्वेंटी प्लीज पढ़ लीजिए क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने हाँ। तो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड राइट अब देखिए पॉलुस के मन में वही चीज है जो नादाव और अभियुव के साथ हुआ था कि अगर हम लोग परमेश्वर के सामने आ रहे हैं कैजुअल तरीके से अपने आप को बिना जांचे अपने आप को प्रॉपर प्रिपरेशन के बिना तो पॉलुस कह रहा है तुम अपने ऊपर जजमेंट न्याय लेके आ रहे हो और इसलिए तुम में से कई लोग मर चुके हो कुर के चर्च को वो वही कह रहा है और वो सिद्धांत हमें आज सीखना है और अप्लाई करना है हम लोग की जिंदगी में कि जब हम लोग परमेश्वर के सामने आते मेज के सामने आ रहे हैं या आराधना में जा रहे हैं संडे के चर्च में जा रहे हैं हाउस ग्रुप मीटिंग में जा रहे हैं फ्राइडे के सर्विस में जा रहे हैं मंडे के सर्विस कोई भी सर्विस में परमेश्वर के सामने अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग जाए परमेश्वर के सामने योग्य तरीके से गलत तरीके से नहीं जाए क्योंकि अगर हम लोग गलत तरीके से जाए परमेश्वर के सामने तो पॉलुस कह रहा है कि देखो सुनो इसलिए तुम्हारे ऊपर न्याय आ रहा है और इसलिए कई लोग मर जा रहे क्योंकि उसके मन में एग्जैक्टली exactly वही चीज था जो नदाव और अवयु के साथ हुआ नादाव और अवयु के साथ एग्जैक्टली exactly वही चीज हुआ था देखिए इससे हमें कुछ सीखना है और कई देखिए हम लोग में से कुछ लोग सोच भी सकते हैं कि अरे यार ये सब क्या बोल रहे हैं आप इब्रानी की किताब में तो लिखा है कि पर्दा फट गया है और हम लोग अब हम लोग परमेश्वर के सामने कभी भी आ सकते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ यौम के पुर के दिन पे जाना है वगैरह वगैरह लेकिन देखिए यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं कोई चीज को बदलने नहीं आया हूं राइट right? इनफैक्ट उनको जब पूछा गया कि सबसे श्रेष्ठ कमांडमेंट सबसे बड़ा कमांडमेंट हुक्म कौन सा है तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने नहीं कहा कि मैं तुम्हें एक नया कमांडमेंट दे रहा हूं सबसे बड़ा वो होने वाला है उन्होंने कहा सबसे बड़ा सबसे श्रेष्ठ कमांडमेंट कौन सा है वो है अनुवाद की किताब से छटा अध्याय इसराइल सुनो मेरे लोग तुम्हारा परमेश्वर एक है जो हम लोग कहते हैं शिमा जिसको हम लोग कहते हैं शिमा राइट वो है पर हमारा परमेश्वर एक है मैं क्या, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यशु मसीह ने कोई चीज को चेंज बदला नहीं किया बदलाव नहीं किया लेकिन इसराइल को याद दिलाया कि देखो मैं तुम्हें मैं आने दिखाया हूँ मैं इसलिए आया हूँ तुम्हें दिखाने के लिए परमेश्वर के मार्ग मैं इसलिए आया हूँ तुम्हें दिखाने के लिए कि परमेश्वर के मार्ग पे तुम कैसे चल सकते हो इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे तो हम लोग ऐसा नहीं किए इब्रानी के यहां से हम कोट करें कि देखो अब पर्दा फट गया है हम लोग कभी भी जा सकते हैं कैसे भी जा सकते हैं परमेश्वर के सामने यस कभी भी जा सकते हैं लेकिन परमेश्वर का सिस्टम है एक्सेस है अपने पास देखिए एक कंपनी में आप अगर कंपनी में नौकरी करते हो तो एक एक्सेस कार्ड मिलता है या आपको चाबी मिलता है लॉक खोलने की लेकिन एक्सेस कार्ड का ये मतलब नहीं है कि कभी भी जाए गए हम लोग एक्सेस कार्ड का मतलब है आप जा सकते हो लेकिन जाने का टाइम है आने का टाइम है हर चीज का सिस्टम है ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी करो मैं प्रधानमंत्री से मिल सकता हूं क्योंकि मैं आई एम आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया लेकिन क्या मैं एक्चुअली जा सकता हूं क्या नॉर्थ ब्लॉक न्यू डेली में हेलो प्राइम मिनिस्टर मोदी मैं आ चुका हूं <laughs> क्या होगा मेरे साथ आपको पता है लेकिन हम लोग परमेश्वर के साथ ऐसे करते हैं हाई गॉड आई कम मैं आ चुका हूं और ये परमेश्वर का सिस्टम नहीं है परमेश्वर का सिस्टम एक डेकोरम है एक सिस्टम है एक मेथड एक है एक टाइम है एक प्लान है, और ये हम लोग सीखते हैं जो नदाव और अवयु के साथ हुआ था उन्होंने कैजुअली लिया, शराब पी के उन लोग उन लोग लोग गए, शायद ये भी थे, अरे यार मेरा पिता कर सकता है मेरा अंकल कर सकता है परमेश्वर का महिमा आ गया है, हम भी कर सकते हैं हम किसी से कम नहीं रॉन्ग हर चीज का टाइम होता है हर चीज का सिस्टम होता है परमेश्वर का महिमा आया मोशे और और आरोन के द्वारा तो ऐसा नहीं कि हमें सोचा हम और से कम नहीं है ये ये सब शायद उनके मन में था। हम दिखाएंगे इसराइल को कि हम भी कर सकते हैं हम भी थे सिनाई पर्वत पे हमने भी देखा परमेश्वर की महिमा कभी ये ईगो आ जाता है लोगों के अंदर गलत चीजें आ जाता है और ये सब बातें हम लोग सीख रहे हैं इस इंसिडेंट और इस चीज के द्वारा मैं इससे अब अंत करने वाला हूँ हम लोग बड़ा इसका समन बना सकते हैं लेकिन इस चीज मैं मैं मेरी विश्वास है हमसे uh, sure बात कर रहे हैं। हम, हम सबको सिखा रहे हैं हमारे परिवार से बात कर रहे हैं हम लोग सबसे बात कर रहे हैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं पहले अपने आप को कह रहा हूं और जैसे पोलिस ने कहा जब हम लोग मेस के सामने आए जब हम लोग आएंगे पासुवर के सामने के, 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 याद में जब हम लोग कम्युनियन करेंगे या हर हफ्ता या महीने में एक बार या रोज जो भी है हम लोग आए परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार अपने आप को जांचते हुए ताकि हम लोग अपने आप के ऊपर न्याय नहीं लेके आए जैसे नदाब और अवयु का और इसलिए पॉलिस कहता है इसलिए तुम में से कई लोग मर चुके हैं क्योंकि तुमने अपने आप को जांचा नहीं था आज हम लोग जब आ रहे हैं, हम अपने आप को जांच ले हम लोग आए परमेश्वर के सामने उनके सिस्टम के अनुसार उनको आदर देते हुए उनको महिमा देते हुए उनका उनको अपना सारा तन मन और धन देते हुए उनको अपना दिल देते हुए और और सीखे कि परमेश्वर ने गलत चीज जो नदाब और रवियो के साथ हुआ था वो ना हो हमारे साथ ना तो स्पिरिचुअली ना तो फिजिकली हम सीखे इससे और हम लोग बड़े आपके राज्य में और आपके काम में शालोम सबको प्रेज लॉर्ड आगे हम लोग जाएंगे अभी कम्युनियन के टाइम